उत्तराखंड में मतगणना से पहले उठा पटक जारी। कांग्रेस को सता रहा विधायकों की खरीद फरोख्त का डर। विधायकों को शिफ्ट करने की हो रही तैयारी। कांग्रेस ने की बीजेपी के प्लान बी से बचने की तैयारी। कांग्रेस ने तैयार किया रणनीतिक कवच। मतगणना के दौरान सावधानी को लेकर की गई चर्चा। यूक्रेन से घर लौटे 5 छात्र। परिजनों में खुशी का माहौल। परिजनों ने जताया भारत सरकार का आभार। रायवाला में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने डकैती करने वाले 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। 2 बदमाश अभी भी फरार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में मतगणना का काउंटडाउन अब शुरू हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। सभी लोगों को ईवीएम खुलने का इंतजार है, जिसके तहत सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। तमाम कार्यकर्ताओं को ईवीएम की निगरानी रखने के लिए कह रहे हैं। प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी सरकार बनाने के तमाम दावे कर रही हैं। ऐसे में दोनों दलों की ओर से कोशिश की जा रही है कि कहीं पर कोई कोर कसर ना रह जाए। इसके अलावा पार्टी में सभी को एकजुट करने का भी प्रयास किया जा रहा है। हमने कल इस संबंध में बैठक की और मतगणना से संबंधित बारीकियों को समझाने हेतु हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेतागण सभी 13 जिलों में आज पहुंच गए हैं। हमारे जो मतगणना स्थल पर जो हमारे लोग मतगणना में शामिल होंगे, उनको वो लोग इन बारीकियों को समझाएंगे और ख़ास करके पोस्टल बैलेट के बारे में समझाएंगे। पोस्टल बैलेट की गणना किस प्रकार हो, ये कुछ उसमें तकनीकी बातें हो, उन तकनीकी बातों की कार्यां उन्हें होनी चाहिए, इसलिए हमने अपने सीनियर नेताओं को सभी जिलों में भेजा है। हमारे सीनियर नेता सभी जिलों में रहकर हमारे प्रत्याशियों के साथ उनका बातचीत होती रहेगी, संपर्क बना रहेगा और कोई दिक्कत आती है तो उन्हें वो हर रूप में सहयोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में और राज्य के लोगों में बड़ा उत्साह है कि भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाने वाली है और सबको विश्वास भी है। हमने 5 साल तक लोगों का विश्वास जीतने का काम किया है। जो हमने काम किए हैं, जनता ने उस पर हमको वोट दिया है। नरेंद्र भाई मोदी जी का मैजिक भी रहा है, डबल इंजन का काम भी रहा है और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां था उसका भी रहा है। जनता चाहती है, माताएं, बहनें, बुजुर्ग सब चाहते हैं कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और सब कल के लिए उत्सुक हैं। सब ने तैयारियाँ कर ली हैं कि कल उत्सव हो रहा है प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का, और कल राज्य की नई सरकार जारी है और वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिलने की स्थिति में जोड़ तोड़ की चर्चाओं के बीच कांग्रेस सतर्क हो गई है। गोवा चुनाव से सबक लेते हुए पार्टी मतगणना के तुरंत बाद अपने विधायकों को कांग्रेस शासित राज्यों राजस्थान या छत्तीसगढ़ में शिफ्ट कर सकती है। गोवा में हुए विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बावजूद कांग्रेस वहां अपनी सरकार बनाने में विफल रही थी। ऐसे में इस बार पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मतगणना से पहले देहरादून के एक होटल में कांग्रेस का वॉर रूम सक्रिय हो गया है। पार्टी नेताओं का बंद कमरे में बैठकों का दौर चला तो बाहर मीडिया का जमावड़ा लगा रहा। पार्टी अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने 42 से 45 सीटें जीतने का दावा किया तो दूसरे नेता भी इस आंकड़े के आसपास रहे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पार्टी खंडित जनादेश को लेकर भी घबराई हुई है। विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना से पहले कांग्रेस की बैठक में आने वाले दिनों के लिए रणनीतिक कवच तैयार किया गया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से विशेष पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए सांसद और कांग्रेस चुनाव समिति सदस्य दीपेंद्र हुड्डा महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री MB पाटिल की अगुवाई में जहां मतगणना के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों को लेकर चर्चा की गई तो वहीं बीजेपी के प्लान बी को फेल करने के लिए रणनीति तैयार की गई। मतगणना से पहले बीजेपी नेताओं की सक्रियता और विशेषकर राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की उत्तराखंड में उपस्थिति ने कांग्रेस नेताओं की बेचैनी बढ़ाती है। पार्टी की ओर से अंदेशा जताया जा रहा है कि 10 मार्च को अगर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिलती है और पार्टी 36 के जादुई आंकड़े के आसपास पहुंचती है तो बीजेपी खरीद फरोख्त की राजनीति को अंजाम दे सकती है। यूक्रेन से लौटे छात्र से मिलने मंगलौर पहुंचे बीजेपी के जिलाध्यक्ष जयपाल चौहान ने कहा कि इस बार भी उत्तराखंड में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। 10 मार्च को चुनावी
परिणाम घोषित हो जाएंगे। बीजेपी प्रदेश में पूर्ण बहुमत से आ रही है, इसलिए अन्य दलों के प्रत्याशियों की उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उत्तराखंड की जनता बीजेपी की कार्यशैली से प्रभावित है। जो विकास बीजेपी ने प्रदेश में किया है उससे जनता ने फिर से बीजेपी पर भरोसा जताया है। आप सब ने सर्वे किए हैं और अधिकांशतः सर्वे में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है ऐसा दिखाया गया है, लेकिन हमारा भी विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम शुरू से ही कह रहे हैं कि उत्तराखंड में जो मिथक है, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, इस बार वो मिथक टूटने जा रहा है। मैं इसके लिए इस प्रदेश की तमाम जनता को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, अपने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी मेहनत हम पुनः एक बार उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2022 की मतगणना में तैनात कार्मिकों का वरिष्ठ आईएएस ऑब्जर्वर पंकज विधानसभा बद्रीनाथ, सौम्यजीत दास विधानसभा थराली, सौम्या भट्टाचार्य विधानसभा कर्णप्रयाग और जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना की मौजूदगी में सुपरवाइजर, सहायक सुपरवाइजर, माइक्रो ऑब्जर्वर का रेडमाइंडेशन एनआईसी कक्ष में किया गया, जिसमें ईवीएम मशीन मतगणना के लिए 51 सुपरवाइजर, 54 सहायक सुपरवाइजर, 66 माइक्रो ऑब्जर्वर सहित कुल 171 और पोस्टल बैलेट के लिए 29 सुपरवाइजर सहित कुल 116 कार्मिकों की तैनाती की गई है। तो मतगणना की तैयारियों को लेकर अब कार्मिकों की तैनाती भी कर दी गई है। चमोली में कल पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 3 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना संपन्न पीजी कॉलेज में की जानी है। जो हमारी ईवीएम है, ईवीएम काउंटिंग के लिए हर विधानसभा में 14-14 टेबल निर्धारित हैं। पोस्टल बैलेट के लिए बद्रीनाथ में 7 और थराली और कर्णप्रयाग में 8 टेबल निर्धारित हैं। साथ ही साथ जो ETPBS सर्विस वोटर के हमें प्राप्त हुए हैं या अभी जो हो रहे हैं, उनके प्री काउंटिंग के स्कैनिंग के लिए, ETPBS की स्कैनिंग के लिए 10-10 टेबल प्रत्येक विधानसभा के लिए निर्धारित हैं। समस्त स्टाफ की तैनाती की जा चुकी है। आज प्रातः 8 बजे द्वितीय रैंडमाइजेशन भी संपादित किया जा चुका है। कल प्रातः 5 बजे तृतीय रैंडमाइजेशन संपादित किया जाएगा, जिसमें जो हमारा काउंटिंग स्टाफ है उनको उनके टेबल्स अलॉट किए जाएंगे। के लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है। हमारी पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल जो है उसकी तैनाती की गई है। मतगणना स्थल जो है हमारा, उसमें त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। जो हमारी आउटर 2 कॉर्डन्स है उसमें हमारी स्टेट पुलिस लगी हुई है और जो अंदर की मेन बिल्डिंग है वहाँ पे पहले से ही ITBP की तैनाती है। और इसके अतिरिक्त जो भी मतगणना स्थल में एंट्री होगी, जो एंट्री पॉइंट है, वहाँ पे उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाएगा जिनके पास प्रॉपर वेरीफाइड आई कार्ड हैं जो जारी किया गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, और उन्हीं की एंट्री होगी। इसके अतिरिक्त हमारा ट्रैफिक प्लान जो गोपेश्वर शहर के लिए बनाया गया है, क्योंकि मतगणना स्थल के बाहर भीड़ भी रहती है, इस वजह से जो गाड़ियां चमोली की तरफ से आ रही हैं उन्हें लीसा बैंड होते हुए ऊपर की तरफ भेजा जाएगा और वन वे ट्रैफिक प्लान रहेगा। जिन्हें नीचे जाना है वो PG कॉलेज वाला रूट है, उसे ले सकते हैं। रुद्रप्रयाग में विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज गोयल और पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट में पत्रकारों से वार्ता कर तैयारियों की व्यापक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अगस्त मुनि में मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार चुनाव परिणाम के बाद विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा, जबकि सेलिब्रेशन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। रुद्रप्रयाग से तस्वीरें आपको, जहाँ पर अब अधिकारी द्वारा बताया गया कि विजय जुलूस और सेलिब्रेशन पर इस दफा प्रतिबंध रहेगा। तो पत्रकारों से वार्ता करते हुए DM और SP ने ये बताया है कि इस बार विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा और सेलिब्रेशन पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा रहेगा। मतगणना को लेके जो हमारे काउंटिंग हॉल्स तैयार होने हैं, अच्छा, उनकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और सिक्योरिटी व्यवस्था भी जो है वहाँ पे उसकी पूरी प्लानिंग कर ली गई है। मतगणना के लिए सिक्योरिटी उसी हिसाब से, जिस हिसाब से निर्देश है, वो लग जाएगी पूरी। और जो हमारे काउंटिंग के जो कर्मचारी होंगे उन सबकी ट्रेनिंग वगैरह की पूरी करवा ली गई है। सर, मतगणना के बाद जो जुलूस प्रदर्शन वगैरह क्या रहेगा उसमें?
वर्तमान में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देश हैं उस पर उसके अनुसार ये जो विक्ट्री प्रोसेशन है उस पर प्रतिबंध है, परंतु अभी आज और कल में यदि कोई नए इंस्ट्रक्शन इसके संबंध में प्राप्त होते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन के निर्देश हैं उसके अनुसार प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था मतगणना स्थल पर की जाएगी। तीन लेयर में, तीन कॉर्डन्स में सिक्योरिटी अरेंजमेंट रहेंगे। इसके अतिरिक्त सभी थाने चौकियों को भी निर्देशित कर दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे। जनता को क्या संदेश देना चाहिए? सभी जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको मेंटेन करें, शांति बनाए रखें, किसी भी प्रकार के झगड़े में ना। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों का भारत आने का सिलसिला अभी भी जारी है, जिसके तहत मंगलौर से MBBS की पढ़ाई करने यूक्रेन गए 5 छात्र भी सकुशल अपने घर वापस पहुंच गए। छात्रों के सकुशल घर आने पर परिजनों ने राहत की सांस ली। भारत सरकार की तरफ से लगातार यूक्रेन में फंसे सभी छात्रों को निकाला जा रहा है। यूक्रेन से निकलकर घर पहुंचे अरीब अंसारी और उनके परिजनों ने भारत सरकार का आभार जताया है। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, ये अरीब अंसारी और उनके परिवार की तस्वीरें हैं। अरीब जो कि यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन युद्ध की स्थिति में अब उनको इवैक्यूएट कर भारत सरकार उनके घर तक वापस लेकर आई है, जिसके बाद उन्होंने भारत सरकार का आभार जताया है। माहौल तो डर का है, सभी जानते हैं युद्ध में पैनिक फैलता है, डर फैलता है, लेकिन हिम्मत से काम लेने चाहिए सबको, सब बच्चों को जो भी फंसे हैं उनको भी। और हम निकले हैं, हम लोगों ने भी हिम्मत से काम लिया। हम लोग अपना बस की व्यवस्था की, इंडियन एम्बेसी को हम लोगों ने लोकेशन भेजी जब हम लोग निकले। उसके बाद हम लोग हंगरी बॉर्डर तक की बस की, वहाँ पे हम लोग रेलवे स्टेशन पे पहुँचे। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से वीज़ा लग के हमें इमिग्रेशन होके हम लोग ट्रेन मिली, ट्रेन ने हम लोग को हंगरी पहुँचाया, शहर का नाम था जोहानी। फिर जोहानी से हम लोग को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेन एक स्पेशल चलाई गई थी जो सिर्फ फॉरेनर्स के लिए थी कि इन लोगों को एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाए हंगरी की कैपिटल में। रूस यूक्रेन की जंग जिस दिन शुरू हुई तो बेटा वहाँ था, हालांकि इसका टिकट था इंडियन एयरलाइंस में 26 तारीख का, लेकिन क्योंकि 24 में जंग शुरू हो गई तो जंग की जैसे हमें खबर मिली एक बार तो हमें बड़ा झटका सा लगा। तभी इसका फ़ोन आ गया कि डैडी फिक्र मत करना, मैं बिल्कुल सेफ हूँ, हर हाल में सब्र रखना है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। फिर ये वहाँ से चले और जैसे जैसे इनसे कांटेक्ट रहा, हर 2-3 घंटे के बाद ये फ़ोन कर लेते थे। जब ये हंगरी पहुँच गए तो हमने बिल्कुल सेफ महसूस किया, और जैसा इन्होंने बताया कि जितनी अच्छी व्यवस्था इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ उपलब्ध कराई, वहाँ से लेके और घर तक, तो अपनी सरकार, केंद्र सरकार और दोनों का बहुत बड़ा एहसान है। ऋषिकेश, शहर में खनन और अन्य सामग्रियों का ढुलान करने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली धड़ल्ले से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। सरकार के राजस्व को भी हानि पहुंचाने का काम ट्रैक्टर ट्रॉली के संचालकों की तरफ से किया जा रहा है। विभागीय कार्रवाई नहीं होने से ट्रैक्टर ट्रॉली संचालकों के हौसले बुलंद हैं। बता दें कि शहर में ट्रैक्टर ट्रॉली बिना नंबर प्लेट लगाए खनन और अन्य सामग्रियों का ढुलान करने में लगे हुए हैं। कई ट्रैक्टर ट्रॉली प्राइवेट रजिस्ट्रेशन पर दर्ज हैं, जो कॉमर्शियल काम कर सरकार को राजस्व का नुकसान भी पहुँचा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ऋषिकेश की ये तस्वीरें हैं जहाँ शहर में ट्रैक्टर ट्रॉली किस तरीके से ढुलान करके सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाते हुए देखे जा सकते हैं। तो ट्रैफिक नियमों को तोड़ती ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। गवर्नमेंट की जो गतिविधियां हैं वो लगातार की जा रही हैं। जैसे ही कोई ऐसा मामला, कोई लीगल वाहन, ट्रैक्टर ट्रॉली या जैसा आपने बताया कि प्राइवेट वाहन जो कमर्शियल के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, संज्ञान में आते हैं, पकड़ में आते हैं, चालान भी उनका किया जाएगा, सीज किया जाएगा। जो भी कार्रवाई MV एक्ट के अंतर्गत कठोरतम हो सकती है, खासकर जो टैक्स चोरी वाली गाड़ियाँ हैं, इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। हाँ, जैसा मैंने आपको अभी बताया अभी कि जैसा आपने संज्ञान में लाए हैं कि कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली हैं जो प्राइवेट नंबर की हैं और उनसे कमर्शियल काम किया जा रहा है, तो इसमें हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली टैक्स की भी चोरी कर रही है। कमर्शियल काम के लिए उसको सरकार को टैक्स देना था, तो इस तरह के मामलों पर कठोरतम प्रवर्तन की कार्रवाई की।
चालान के साथ साथ ऐसे वाहनों को सीज भी किया जाए। रायवाला थाना क्षेत्र के हरिपुर कला में एक महिला के घर में रात को दरवाजा तोड़कर डकैती करने वाले 5 बदमाशों में से 3 बदमाशों को पुलिस और एसओजी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ ही बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने डकैती कर किए गए जेवरात और कागजात भी बरामद किए हैं। एक बाइक भी पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज कर दी है। मामले का खुलासा DIG जन्मेजय खंडूरी ने किया। फिलहाल 2 बदमाश अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। वह 15 फरवरी के आसपास वहां पर रात को लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें कि कुछ लोग एक घर में घुस गए थे और घर में घुसकर वहां पर उन्होंने लूट की थी। तो लूट की थी, उसके बाद हमारे द्वारा जो कलेक्शन इंटेलिजेंस कलेक्शन किया गया, मुखबिरी की गई और CCTV कैमरेज के एनालिसिस किए गए, उसके बाद हमने आज इनमें से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी के कुंडल और कुछ कैश बरामद हुआ है। इसमें कुछ वांछित अभियुक्त अभी बचे हैं, सभी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। रुद्रप्रयाग के दसजीवला क्षेत्र में स्थित आराध्य मां चंडिका की यात्रा 92 सालों के बाद आयोजित की गई। ये यात्रा पूरे 9 महीने तक चलेगी। बता दें कि दीवारा यात्रा कई क्षेत्रों का भ्रमण कर चुकी है। इन दिनों मां चंडिका की दीवारा यात्रा नगर क्षेत्र का भ्रमण कर भक्तों को आशीष दे रही है। इसी के साथ ही यात्रा में बड़ी संख्या में चल रहे भक्तों ने माँ के जयकारे भी लगाए। इस यात्रा का महत्व तो मां चंडिका, सभी को पता है कि माँ चंडिका जो है वो एक जो है वो हमारी आराध्य देवी है, जगत जननी है, जगत माता है। और ये माता ये हमारी नहीं है, 10 जुला की नहीं है, ये सभी की माता है। और ये हमारे महड़ गांव में इसका मंदिर है और 24 गांव की ये माता, इसमें 24 गांव हैं जो इस माता को जो है डोली। आज 5 महीने में यात्रा हो गई, अब 4 महीने बाकी हैं। तकरीबन 2-3 महीना बाहर रहेगी माता और 1 महीना मंदिर में माँ की बनियात होगी। जो छूटी हुई धैणियाँ हमारी, जो भी बाहर से जो भी विदेश हैं, बाहर हैं, जो भी, अब वो सब बनियात में मिलेंगे और माता रानी के दर्शन करके माता रानी 15 जून को अपने महल मंदिर में विराजमान हो जाएगी। रुद्रप्रयाग में विश्वविख्यात भगवान केदारनाथ के कपाट आम भक्तों के लिए 6 मई को खोल दिए जाएंगे। ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। पैदल मार्ग के भीमवली से केदारनाथ धाम तक 3 से 5 स्थानों पर बड़े बड़े ग्लेशियर बने हैं, जबकि पैदल मार्ग पूरी तरह से बर्फ से ढका है। ऐसे में DDMA के 80 मजदूर पैदल मार्ग से बर्फ हटाने में जुटे हैं। बर्फ हटाए जाने के बाद ही पैदल मार्ग पर नुकसान का सही अनुमान लगाया जा सकेगा। अभी जो स्थिति है गौरीकुंड से लेकर के भीमवली तक बर्फ़ है नहीं, मतलब पूर्ण हटा दिया गया है। और भीमवली से और आगे केदारनाथ तक बर्फ़ कम से 6 से 8 फीट या 9 फीट, कहीं कहीं पर 9 फीट है। और बराबर अविलांश भी आने की स्थिति, मतलब अविलांश भी वहां पे आ रहे हैं, जिसके कारण कि यात्रा रूट खोलने में भी थोड़ा कठिनाई हो रही है। और जो कि अभी वर्तमान में 80 लेबर हमारे भीमवली से केदारनाथ तक का रास्ता खोल रहे हैं। ये आज से अभी 10-15 दिन तक ही रास्ता खुल पाएगा। राजधानी दिल्ली के 2 पर्यटक 7 मार्च की शाम को ऋषिकेश में चीला शक्ति नहर में बह गए थे। उनकी वीडियो अब वायरल हो रही है। वीडियो में पर्यटक मौज मस्ती करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान एक पर्यटक चीला शक्ति नहर में जैसे ही गंगा को छूने नीचे उतरा, उसका पैर फिसल गया और वो गंगा में बहने लगा। वहीं उसके साथी ने वीडियो बना लिया। हालांकि इस वायरल वीडियो के बारे में अभी ये नहीं पता चला है कि नहर में बहने वाले पर्यटकों में शामिल पंकज और प्रमोद में ये किसकी वीडियो है।
ऋषिकेश में नटराज श्यामपुर बाईपास मार्ग पर योग नगरी रेलवे स्टेशन के सामने अतिक्रमणकारियों की तरफ से कब्जा कर लिया गया है। भूमि को विभाग के वन बीट दीपक कैंतूरा ने अतिक्रमण हटाकर कब्जा मुक्त करवाया। बता दें कि वन विभाग की टीम शिकायत मिलने के बाद योग नगरी रेलवे स्टेशन के सामने अपनी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए पहुंच गई थी। वन विभाग ने अस्थायी रूप से अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों को तत्काल हटा दिया। आज वन विभाग की गश्त टीम द्वारा ऋषिकेश योग नगरी के सामने से पांच दुकानों से हमने अतिक्रमण हटाया है। आज वन विभाग की टीम सुबह ऋषिकेश योग नगरी के सामने गश्त के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे दुकानदारों ने दुकानें अपनी आगे बढ़ा रखी है। मौके पर जाके हमने उनकी पन्निया सब हटा के अतिक्रमण हटाया गया है। भविष्य में कहीं सूचना प्राप्त होती है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी इसके ऊपर। ऋषिकेश में तीर्थ नगरी सहित आसपास के इलाकों में प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझे की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है, जिसका खामियाजा पक्षियों के साथ साथ इंसानों को भी अपनी जान जोखिम में डालकर भुगतना पड़ रहा है। बता रहे हैं कि चाइनीज मांझे की चपेट में आकर आवास विकास निवासी एक युवक की गर्दन कटने से बच गई। फिलहाल इलाज के बाद युवक को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व जनप्रतिनिधि रवि जैन ने प्रशासन से छापेमारी कर चाइनीज मांझा बेचने वाले संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा तहसील क्षेत्र में देश की हिफाजत देश की सुरक्षा की कड़ी में सीआरपीएफ में सेवा के दौरान शहीद हुए जवानों के परिजनों से मुलाकात कर उनको स्मृति चिन्ह और कुछ उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, उधम सिंह नगर की तस्वीरें हैं जहां पर शहीदों के परिजनों से मुलाकात की गई और उनको सम्मानित किया गया। तो सीआरपीएफ ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया है और सीआरपीएफ के अधिकारी पहुंचे उधम सिंह नगर, जहां पर उन्होंने शहीदों के परिजनों से मुलाकात की और उनको उपहार भेंट कर सम्मानित किया है। भारतवर्ष इस वर्ष अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और सीआरपीएफ भी इसी क्रम में आज़ादी का अमृत महोत्सव देश की हिफाजत देश की सुरक्षा नाम से एक कार्यक्रम चला रही है, जिस कार्यक्रम के तहत हम अपने क्षेत्र के शहीद हुए कार्मिकों जवानों और अधिकारियों के परिवारजनों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं तथा उन्हें जो उपहार हैं कुछ उपहार भेंट स्वरूप दे रहे हैं, ताकि हमें अगर उनको कोई समस्याएं हैं तो उनका समय रहते पता कर सकें और निवारण कर सकें। ये कार्यक्रम जो है उसी का एक हिस्सा है। लक्सर तहसील में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। इस दौरान एक पक्ष का एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर आनन फानन में पुलिस क्षेत्राधिकारी बी एस चौहान कोतवाली यशपाल सिंह बिष्ट पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मारपीट कर रहे दूसरे पक्ष के युवक को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। लगा है कि कुनारी के हैं, इसी में दो पक्ष में आपसी विवाद था तो यहाँ पे आए थे वो तहसील में, तो वहाँ तहसील में जो है दोनों में झगड़ा हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति को काफी इंजर्ड था वो हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है और इसमें जांच की जा रही है झगड़े का कारण क्या था। लक्सर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भूरना गांव में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ छापेमारी करते हुए भट्टी लगाकर अवैध कच्ची शराब निकाल रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान एक आरोपी मौके से फरार हो गया। अब पुलिस ने भट्टी सहित 40 लीटर अवैध कच्ची शराब भी बरामद की है। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को जेल भेज दिया और फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है।